वेलकम बैक फ्रेंड्स टू डी चैनल इंडियन कीटो एंड लो कार्ब क्विज़ीन। आज हम देखेंगे प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट आइडियाज़। द फर्स्ट वन इज़ बेस इन चीला। सो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए हैं। उन सारे इंग्रेडिएंट्स जो कि आपके किचन में इजीली अवेलेबल है, आपको एक साथ लेनी है इन अ पैन और अ बाउल और समथिंग, एंड आपको उसको मिक्स कर लेना है। सो विद द हेल्प ऑफ वाटर आई एम मिक्सिंग दिस। सो कंसिस्टेंसी का ध्यान रखिएगा, एंड ऑन तावा आई एम जस्ट स्प्रेडिंग इट। सो इट्स अ ग्रेट आइडिया फॉर वेट लॉस जर्नी, ब्रेकफास्ट थिंग्स, एंड इट्स प्रोटीन रिच, ईजी टू कुक, टेस्टी टू हैव। तो ये हमारा चीला स्प्रेड हो चुका है, एंड आई एम पुटिंग सम घी। यू कैन टेक ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल टू, बट घी इज द बेस्ट आई एम टेलिंग यू। Use ghee for making it, and now I am flipping it. It needs to be cooked on both the sides. दोनों साइड से अच्छे से इसे पका लेना है हमें। आप ये देखो, सेकेंड साइड भी हमारा पक चुका है, ऑलमोस्ट इट्स डन। सो यू कैन हैव इट विथ कर्ड, चटनीज, और इवन इफ यू आर टेकिंग इट एट लंच, यू कैन टेक एट विथ वेजीज, सॉटे वेजीज टू। सो किसी भी टाइम में खाया जा सकता है, इट्स ऑल ओके। सो हियर इट्स रेडी, यमी यम। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा ब्रेकफास्ट आइडिया है ब्रेड पकौड़ा। करेक्ट करेक्ट, वेट लॉस में ही खाना है ब्रेड पकौड़ा, बट थोड़े अलग वे में। ये मैंने बेसन लिया है, बेसन में मैंने हल्दी, मिर्च, नमक, कोरिएंडर लीव्स, एंड यू कैन ऐड एज मोर हर्ब्स और वेजीज एज बिफोर यू सॉ। सो ये मैंने पूरे एक मिक्स कर दिया है। ये मेरे पास ब्राउन ब्रेड है, यू कैन टेक मल्टी ग्रेन ब्रेड टू। तवा पे मैंने हल्का सा इस बार सरसों ऑयल यूज़ किया है, एंड डिप करते हुए मैंने ब्रेड को इस पे रख दिया है। सो नीड टू कुक इट फॉर सम टाइम। सो यू कैन सी अगेन फ्लिप इट एज इट्स नीड टू गेट कुक फ्रॉम बोथ दी साइड्स। ये देखिए, सो इट्स ऑलरेडी गाइस। नेक्स्ट है पनीर ब्रेड पकौड़ा। येस, करेक्ट करेक्ट, सही सुन रहे हैं आप लोग, ये सब ब्रेकफास्ट में ही खाना है। देखिए मैंने ये तो बन लिया है, हालांकि आप मल्टीग्रेन ब्रेड और ब्राउन ब्रेड लो तो वो ज़्यादा बेटर होगा। मैंने पनीर की स्लाइसेस ली हैं, आप चाहो अब जिस शेप में आप लोगे उस हिसाब से उसकी आप ले सकते हो, एंड उससे एक दो ब्रेड के बीच में मैंने पनीर को रखा है। एंड यू रिमेंबर दी बैटर विच आई मेड ड्यूरिंग बेस एंड चीला, दैट आई एम यूजिंग योर, यू कैन मेक अ सेपरेट वन, बट दिस इज़ गुड बिकॉज इट कंटेन वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स टू बी एडेड इन एवरी डे डाइट ऑफ योर्स, इट्स वेरी नाइस एंड हेल्दी। सो आई एम जस्ट शो मेक श्योर कि बेसन जो हमारा बैटर है वो अच्छे से इसमें रैप हमने कर लिया है ना। तो ये हमारा रेडी है। अब हम एक तावा लेंगे, उसमें मैं ऑयल है ये यूज़ कर रही हूँ, ऑलिव ऑयल दिस टाइम। सो यू कैन यूज़ इट दी ऑयल, एंड नाउ इसे मैं प्लेस कर दूँगी तावा पे। सो रादर देन डीप फ्राइंग, वी आर ऑल यूजिंग तावा फॉर मेकिंग दीज पकौड़ाज। आई होप यू आर गेटिंग इट नाउ। एंड ये देखें, ऊपर से मैंने थोड़े बैटर स्प्रेड कर दिए सो दैट ब्रेड का साइड सिर्फ ना हो, यू कैन फील द टेस्ट ऑफ बेसन एज वेल। सो कंसिस्टेंसी की ध्यान रखनी है, एंड आई नीड टू कुक इट फॉर सम टाइम। सो फ्लिपिंग इट एंड कुकिंग इट ऑन द बोथ साइड्स, मेक श्योर इट्स वेल कुक्ड। वो जो बेसन का पार्ट है वो पक चुका है, एंड नाउ यू कैन सी दैट इट्स ऑल कुक्ड फ्रॉम बोथ दी साइड्स। सो इट्स ऑलमोस्ट रेडी। दिस ऑल्सो यू कैन हैव विथ चटनी, होम मेड चटनीज, इट वुड बी ग्रेट, मिंट चटनी, कोरिएंडर लीफ चटनी और कोकोनट चटनी एज वेल, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। सो हियर इट। सो माई ब्रेड पकौड़ा इज ऑल रेडी, नाउ वी आर गोइंग नेक्स्ट थिंग, इट्स इज वेज सैंडविच। तो मैंने एक बाउल में हंग कर्ड लिया है, 2 to 3 टीस्पून ऑफ हंग कर्ड अकॉर्डिंग टू हाउ मेनी सैंडविचेस यू आर मेकिंग, लाइक फॉर अलोन योर सेल्फ और फॉर समवन विथ यू ऑल्सो। सो मैंने इसमें बेसिकली सम हर्ब्स डाल रही हूँ, हर्ब्स कैन बी ऑफ योर चॉइसेस, व्हाट यू वांट टू हैव। आई एम एडिंग चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, आई लाइक इट सिंपल। एंड मैंने इसमें अनियन, करियंडर लीव्स डाल रही हूँ अभी, यू कैन ऐड चिलीज ऑल्सो।
ग्रीन चिलीज कट इनटू स्मॉल पीसेस टू। सो इसका मैंने एक पेस्ट बना लेना है। अब ये देखिए, ये बहुत थिक कंसिस्टेंसी की एक अच्छी पेस्ट हो गई है। अब मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है, यू कैन यूज़ मल्टी ग्रेन ब्रेड एज वेल, और मैं उस पर ये स्प्रेड कर दे रही हूँ। सो ये बहुत बढ़िया से स्प्रेड हो जाएगा गाइज, यू आर गोइंग टू लव इट। एंड दोनों ब्रेड पे मैं इसे स्प्रेड कर दे रही हूँ टू हैव अ गुड एंड बेटर टेस्ट। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक या गाइज, हाँ, सो आई एम डन विद द स्प्रेडिंग पार्ट of this paste and now I will place some veg things into it like tomato. So I have cut it into slices, cucumber, you can place carrots as well according to your choices. You can add some paneer also here. So I am taking tomato and cucumber now. So just, it's already, that's much. Now egg sandwich now. So here guys, I'm taking the brown bread, placing the boiled eggs that is cut into slices. Yeah, it's not a complicated process, the simple normal one. For the busy guys who are running to office, they're late and they want to have something, you can carry this as well. Spreading some salt and black pepper and covering it with another piece of bread. That's all guys. Even though next option is bread with peanut butter, this is one of the greatest option for breakfast, protein rich. And the last one, seasonal fruits. Fruits to bhai hamara sada bahar hai. So one good food bowl, fruit bowl. So you can take all the seasonal fruits. Thank you. Like the video, subscribe our channel, share with your friends, comment.